1783 की बात है कि जॉन मिशेल ने एक आइडिया दिया कि कोई ऐसी चीज़ कायनात के अंदर मौजूद हो सकती है कि जिसका साइज़ बहुत छोटा हो लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज़्यादा होगी। उस वक्त के साइंसदानों को कुछ समझ नहीं आई और बहुत ज़्यादा इस पर उन्होंने सोच विचार की कि ये क्या बात कही गई है। कुछ ने तो वैसे ही इसको एक नेगलेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये आइडिया वैसे इसने दिया है। लेकिन तकरीबन 150 साल बाद 1916 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको मालूम है कि पेश की, और उस थ्योरी के अंदर जो उन्होंने बात कही उसमें एक बात जो इंतहाई अहम थी इस हवाले से वो ये थी कि उन्होंने बताया कि लाइट जो है उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। और इस चीज़ को जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्हें याद आया कि हाँ 1783 के अंदर एक और साइंसदान ने ये बात की थी कि जो चीज़ होगी वो होगी इंतहाई छोटी लेकिन उसके अंदर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो लाइट को परफेक्ट करेगी। तो इस पे फिर वर्क शुरू हो गया और बिल आखिर 1970 में जो है स्टीफन हॉकिंग ने आके ऐलान किया कि हाँ जी ब्लैक होल्स मिल गए हैं। और ब्लैक होल्स को उन्होंने थियोरेटिकली जो है प्रूव कर लिया। और इसमें यह था कि चूँकि ब्लैक होल्स के अंदर से लाइट बाय नहीं निकल पाती लिहाजा ये इनविजिबल होते हैं और इस वजह से इनको देखा नहीं जा सकता। अलबत्ता इक्वेशंस के थ्रू इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि हाँ जी ब्लैक होल्स नाम की कोई चीज़ इधर मौजूद है और उससे अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करना पड़ेगा। अगर उसमें से लाइट भी बाहर नहीं हो सकती उसकी स्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है। और इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है पिजीराई मिली और इस पर जब रिसर्च हुई तो बाद में उन्होंने ब्लैक होल्स के बहुत से साइन भी बहुत सी जगहों पर देखे। ब्लैक होल होता क्या है, किस तरह बनता है, इस एपिसोड के अंदर हम लोग यही बात डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ब्लैक होल्स बनता कैसे है। जब कोई सितारा जो हमारे सूरज से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, अगर हमारे सूरज जितना है ये हमारे सूरज से छोटा है या हमारे सूरज से 2 गुना बड़ा है तो फिर वो ब्लैक होल नहीं बन सकता, वो वाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार में चेंज हो जाएगा। अगर वो सितारा हमारे सूरज से 3 गुना बड़ा होगा या 1,00,000 गुना बड़ा हो जाए, 3 गुना से ज़्यादा जितना मर्जी बड़ा हो जाए तो वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। और होता ये है कि जब वो सितारा जब अपनी आखिरी उम्र पे पहुंचता है तो वो एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होके वो चूँकि उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन होता है। हमें मालूम है कि जितने भी सितारे हैं उसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल होता है और वो उसकी वजह से वो जल रहे होते हैं, उसके अंदर धमाके हो रहे होते हैं मुख्तलिफ सितारों में। हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है सारा फ्यूल, फिर हीलियम से कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर न्यूऑन, इनमें कन्वर्ट होने के बाद आखिर में क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोहा बच जाता है उसके मरकज में। सेंटर में जब लोहा बनना शुरू हो जाए तो फिर सितारा अपने अख्ताम की जानब भड़ा होता है और उसके बाद ये होता है कि वो सितारा एक धमाके के साथ फटता है। अब चूँकि सितारे अब इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं, यानी अगर उनके अंदर एक्सपेंड हो रहे हैं और फट रहे हैं तो उनके अंदर एक फोर्स एक और होती है जो उनको संभाले रखती है, उनकी तमाम गैसेस को और उनके तमाम जो कुछ उसमें मौजूद होता है उसको संभाले रखती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो चूँकि जो फोर्स उनको एक्सपेंड कर रही थी वो तो ख़त्म होगी तो ग्रेविटी जो है वो हावी हो जाती है। और ग्रेविटी जब पीछे रह जाती है तो ग्रेविटी चूँकि आपको मालूम है कि सितारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1,00,000 गुना बड़े भी होते हैं, 100 गुना बड़े भी होते हैं, तो उनकी ग्रेविटी इंतहाई शदीद होती है, इतनी शदीद कि वो अपने पार्टिकल्स को अपने अंदर समो लेते हैं। अगर इतना बड़ा कोई सितारा है तो उसकी ग्रेविटी इतनी शदीद होगी कि वो छोटा सा एक टुकड़ा बन के रह जाएगा। जब वो छोटा सा टुकड़ा बन के रह जाएगा उसके अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एक अगर एक एटम उस तारे का एक यहाँ पे था, दूसरा एटम उसके यहाँ पे था, तीसरा एटम दूसरी जगह पे था, तो ग्रेविटी उन तमाम एटम्स को एक जगह पे ले आएगी जिसकी वजह से जो इतना बड़ा सितारा है वो आखिर में इतना छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा। लेकिन उसमें एटम्स और पार्टिकल्स चूँकि वही सारे मौजूद हैं तो लिहाजा उसकी जो ग्रेविटी होगी वो उसी तरह होगी। ब्लैक होल्स इसी तरीके से बनते हैं। इसमें होता यह है कि 3 टाइप्स के ब्लैक होल होते हैं। एक प्रीमॉर्टल ब्लैक होल्स कहलाते हैं जो इंतहाई छोटे होते हैं। एक जब कायनात का आगाज़ था उस वक्त ये बने थे और ये एटम्स के साइज़ के ब्लैक होल्स होते हैं। ये अभी भी स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हम इनको बना सकते हैं। सर्न लैब जो है हमारी
उसमें जो है ये इस वक्त बन रहे हैं, और ये एक एटम जितने होते हैं और ये फ़ौरन इवेपोरेट हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप आती है स्टेलर ब्लैक होल्स जो होते हैं, वो ऐसे सितारे जो सूरज से 20 गुना बड़े होते हैं, और जब वो मरते हैं तो उनका जो पीछे बच जाता है टुकड़ा, जो मैस बच जाता है, तो उसको उसका जो ब्लैक होल बनता है वो स्टेलर ब्लैक होल्स कहलाते हैं। और ये जो सितारे होते हैं इनका, ये वैसे तो होते हैं 1 करोड़ किलोमीटर इनका डायमीटर होता है, लेकिन जब ये ब्लैक होल्स बनते हैं तो ये 44 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक ये बन जाते हैं, छोटा सा टुकड़ा एक रह जाता है। लेकिन इसमें पार्टिकल्स एटम्स वगैरह तमाम वही होते हैं और इनकी कशिश भी वही होती है। इसके अलावा एक तीसरा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ये हर गैलेक्सी के दरमियान में मौजूद होते हैं, और हमारी जो मिल्की वे है गैलेक्सी इसके बिल्कुल दरमियान में सेकेटेरियस ए के नाम से एक ब्लैक होल सुपर मैसिव मौजूद है। और ये जो ब्लैक होल्स होते हैं ये हमारे सूरज से तकरीबन 1 लाख गुना बड़े होते हैं। तो अभी जो हमारे सेकेटेरियस ए जो ब्लैक होल्स इस वक्त मौजूद है वो हमारी सूरज से तकरीबन 40 लाख गुना बड़ा एक सितारा है जो मरा था, तो उसका जो ब्लैक होल्स बना तो वो इस वक्त हमारी गैलेक्सी के दरमियान में मौजूद है, जिसे हम सेगिटेरियस ए के नाम से जानते हैं, और उसके इर्द गिर्द तमाम सितारे जो है रिवॉल्व कर रहे हैं जो हमारी गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। इसी तरह हर गैलेक्सी के अंदर एक अदद ब्लैक होल मौजूद होता है। ये थी ये ब्लैक होल्स की 3 टाइप्स आ गई थी। अब इसके बाद हम आते हैं कि ब्लैक होल्स जो है इवेपोरेट कैसे होते हैं। ब्लैक होल्स को इवेपोरेट होने का जो प्रोसीजर है, मैंने भी आपको बताया कि हमारी सर्न लैब में एक एटम जितना भी ब्लैक होल हम इस वक्त बना रहे हैं और वो बना चुके हैं हम, लेकिन अब आपके जहन में होगा भाई अगर सर्न लैब में एक एटम जितना ब्लैक होल बना है तो उसने क्यों नहीं अपने आसपास का जो भी मैटर था उसको निगल लिया, आस्ता पूरी ज़मीन को क्यों नहीं उसने निगल लिया। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ब्लैक होल जितना छोटा होगा वो उतनी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ब्लैक होल इवेपोरेट ऐसे होता है कि स्टीफन हॉकिंग 1970 के अंदर ब्लैक होल की डेफिनेशन पेश की, उसके बारे में बताया दुनिया को। 1974 के अंदर स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशंस के हवाले से एक और थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा ब्लैक होल्स ऐसे इवेपोरेट होते हैं कि जब हमारी कायनात बनी थी तो इसमें पार्टिकल भी मौजूद थे और एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद थे, और जब भी कोई पार्टिकल बनता है तो उसके अगेंस्ट एक एंटी पार्टिकल भी बन जाता है, और ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। अभी कायनात के अंदर पार्टिकल्स तो हमें नज़र आते हैं लेकिन एंटी पार्टिकल्स हमें अभी तक नज़र नहीं आए। अलबत्ता इनके थ्योरेटिकल हम इसको साबित कर चुके हैं कि एंटी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और इस पर अभी रिसर्च जारी है। नासा ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि तकरीबन हम $100 अरब अगर खर्च करेंगे तो तब जाके हम इस काबिल होंगे अब 1 ग्राम एंटी पार्टिकल का बना सकें। तो इस थ्योरी पे भी काम हो रहा है और इस पे चल रहा है सारा काम। लेकिन हम आते हैं वापस अपने इस सवाल की तरफ कि ब्लैक होल इवेपोरेट कैसे होते हैं। जब इवेंट होरिजोन, ये इवेंट होरिजोन वो हद है ब्लैक होल की, इसके अंदर अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो ब्लैक होल से बच के नहीं बाहर जा सकती। बिल्कुल ऐसे अगर वो लाइट भी होगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन इवेंट हॉरिजोन के बाहर अगर कोई चीज़ होगी तो वो ब्लैक होल से बच के निकल सकती है। लेकिन ब्लैक होल अपनी तरफ उसको कोशिश करेगा, लेकिन ये होगा कि वो ब्लैक होल से बच के निकल सकेगी। तो जब कोई पार्टिकल एंटी जब पार्टिकल क्रिएट होता है तो उसके साथ ही एंटी पार्टिकल भी क्रिएट होता है। तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि इवेंट हॉरिजोन जो है उसके एक तरफ पार्टिकल क्रिएट हो जाए और इवेंट हॉरिजोन के अंदर जो है एंटी पार्टिकल क्रिएट हो जाए। ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो तो बाहर निकल जाएगा और जो एंटी पार्टिकल है वो इवेंट हॉरिजोन के अंदर रह जाएगा और ब्लैक होल उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और जो एंटी पार्टिकल ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगा वो ब्लैक होल के पार्टिकल के साथ मिल के ब्लैक होल को आस्ता आस्ता छोटा करता रहेगा। एक वक्त आएगा ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाएगा और जो पार्टिकल इवेंट हॉरिजोन के बाहर बना था वो हम तक रेडिएशंस की सूरत में पहुंचेगा, जिसको उसने हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया। हॉकिंग रेडिएशन अभी तक एक फिनोमेना है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हो सका कि इस तरह, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई ऐसी टेलीस्कोप कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर पाई हो, तो ये अभी तक इस पर वर्किंग जारी है। ब्लैक होल हमें नज़र कैसे आता है, साइंटिस्ट ने जाना कैसे कि ब्लैक होल मौजूद है।
ریسنٹلی سائنسدانوں نے اس چیز کو جب دیکھا کہ جب کوئی بلیک ہول کے قریب کوئی ستارہ ہوگا تو وہ ستارے سے اس کا میٹر چرانا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے میٹر چرانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس بلیک ہول کے گرد ایک ایکریشن ڈسک بن جائے گی. ابھی آپ پکچر کے اندر دیکھ رہے ہوں گے, یہ ایکریشن ڈسک جو ہوتی ہے یہ انتہائی ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اس کا, اور اس کے اندر سے ہر وقت جو ہے ایکس ریز نکل رہی ہوتی ہیں, جس کو ہماری ناسا کی ٹیلیسکوپس نے ڈیٹیکٹ کر کے اس کو کنفرم بھی کیا ہے کہ اس کے اندر سے ایکس ریز نکل رہی ہوتی ہیں. اور یہ ایکریشن ڈسک جو ہے یہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں خالی جگہ ہے, تو خالی جگہ کے گرد جو ایکریشن ڈسک بنی ہے اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں بلیک ہول موجود ہے جو اس کے ارد گرد کسی اور ستارے سے مادہ لے کے کھائی جا رہا ہے, اور اس کے بلیک ہول کے گرد یہ ایکریشن ڈسک بنی ہے اور یہ اپنے ایکریشن ڈسک سے مادہ لی جا رہا ہے. اور یہ جو اس طریقے کے تھرو جو ہے ہم لوگ بلیک ہولس کو معلوم کر پاتے ہیں کہ کہاں پہ بلیک ہول موجود ہے, اور کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. اب جیسا آپ میرا ہاتھ یہ دیکھ رہے ہیں, اس پہ لائٹ پڑ رہی ہے اور لائٹ ریفلیکٹ ہو کے کیمرے تک پہنچ رہی ہے, تو آپ کو یہ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے. اگر میرا ہاتھ لائٹ کو ریفلیکٹ نہ کرے اور جو بھی لائٹ اس پہ آئے وہ اس کو جذب کر لے, اور لائٹ کو اگر یہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا تو آپ کو نہیں معلوم ہو پائے گا کہ یہاں پہ کوئی ہاتھ موجود ہے. اسی طریقے سے بلیک ہولس کا حساب ہے, کیونکہ اس کے اندر سے کوئی لائٹ نہیں نکلتی اور اس تک جو لائٹ پہنچتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کر پاتا, وہ اس کو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر. تو اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بلیک ہول جو ہے وہ انویزیبل ہے, وہ نظر نہیں آ سکتا. البتہ اس کو ہم آس پاس کے جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں, آس پاس کے جو ستارے ہیں ان کے بیہیویئر سے ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بلیک ہول موجود ہے. ایک اور سوال اکثر اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر جو ہمارا ستارہ ہے, ہمارا جو سورج ہے, یہ اول تو بات ہے بلیک ہول نہیں بن سکتا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلیک ہول کے لیے کیا کیا شرائط ہوتی ہیں. یہ ایک اگر یہ ایکسپلوڈ بھی ہوا, پہلے ریڈ جائنٹ بنے گا, اس کے بعد یہ جو ہے ایک وائٹ ڈوارف کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر بالفرض یہ بلیک ہول بن جاتا ہے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا سولر سسٹم پہ؟ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے تقریباً 39 لاکھ کلو میٹرس کا ڈائمیٹر ہے, اور جب یہ بلیک ہول اگر کبھی بن جاتا ہے تو یہ ٹوٹلی 2 کلو میٹر کے ڈائمیٹر جتنا ایک پتھر بن رہ جائے گا. لیکن اس میں جو گریوٹی ہوگی وہی ہوگی جو سورج کے اندر تھی, تو اس وجہ سے یہ جو اگر بلیک ہول بن بھی جاتا ہے تو اس کا سولر سسٹم پہ کوئی افیکٹ نہیں آئے گا, سیارے اسی طرح موو کریں گے. ہاں یہ ہے کہ جو ہیٹ ہمیں اس سے موصول ہوتی تھی, جو لائٹ موصول ہوتی تھی, وہ ہمیں موصول نہیں ہوگی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر سورج جتنا ہی کوئی بلیک ہول سورج کی جگہ لا کے رکھ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سورج کے سائز کا بلیک ہول لا کے سورج کی جگہ رکھ دیا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ گریجولی یہ سیاروں کی سپیڈ تیز ہو جائے گی, سیارے تیزی سے ریوالو کرنا شروع کر دیں گے اپنے بلیک ہول کے گرد, اور سب سے پہلے مرکری, پھر وینس ایویپوریٹ ہوگا, اور اس کے بعد ارتھ کی باری آئے گی. تقریباً سال بعد جو ہے ارتھ بھی ایویپوریٹ ہو جائے گی اگر بلیک ہول جو ہے سورج کے سائز کا کوئی بلیک ہول اگر سورج کی جگہ ہم فٹ کر دیں. اور دس از امپاسبل, کہ کیونکہ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی دوسرا بلیک ہول آ کے سورج کی جگہ لے لے, اور لیکن اس کے آنے تک ہی ہم ہو سکتا ہے ایویپوریٹ ہو جائیں, کیونکہ کوئی بھی بلیک ہول ہے وہ سورج کے سائز سے زیادہ بات ہے بڑا ہی ہوگا, اور اس کی گریوٹی سورج کی گریوٹی سے بہت زیادہ ہوگی. اور بلیک ہولس کے حوالے سے یہ فینومنا تھے جن کا آنسر مجھے بھی بتایا گیا ہے, کہ یہ سوال بھی کچھ پوچھے گئے تھے اور ان کا جو ہے آنسر آئی ہوپ کہ آپ کو مل گیا ہوگا. اب ہم اس پاسبلٹی کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سے سب سے قریب جو بلیک ہول ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, کہ ہم سے جو سب سے قریب بلیک ہول ہے جو ابھی تک ہمیں معلوم ہو پایا ہے وہ ہے سائگنس X1, اور یہ ہم سے 6,000 نوری سال کے فاصلے پہ ہے. اگر یہ کبھی ہم سے قریب ہمارے قریب آ جائے, اور 6,000 کی بجائے سے ہم 1 نوری سال کے فاصلے پہ اگر ہم سے یہ رہ جائے, ہمارے قریب آ جائے, اتنے قریب اگر یہ پہنچ جائے, تو اس کا ہمارے سولر سسٹم پہ یہ افیکٹ ہوگا کہ اس کا نظام درم بھرم کر دے گا. یہ جو ایسٹرائڈ بیلٹ ہے یہ اس کا رخ یہ سورج کی طرف موڑ سکتا ہے, اس کا رخ یہ زمین کی طرف موڑ سکتا ہے. کچھ بھی پاسبلٹی ہے کہ باہر سے جو ہے ہمارے سولر سسٹم کے باہر سے بڑے بڑے پتھر آ کے ہمارے پلانٹس پہ
टकरा जाए, तो ब्लैक होल की इस वाले ब्लैक होल की इतनी पावर होगी कि ये अगर एक नूरी साल के फासले पे भी होगा हमारे सोलर सिस्टम से, तो ये बहुत बड़ी तबाही उस वक्त ला सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 6000 साल हमसे दूर है। सवाल पूछे गए थे, आई होप कि आपको उनका भी जवाब मिल गया होगा। पिछले एपिसोड को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।